ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच एक ऐसे ऑर्गेन्स का ग्रुप होता है जो कि स्पीच साउंड को प्रोड्यूस कराने में हेल्प कर हेल्प करता है ये तीन तरह का होता है रेस्परेटरी सिस्टम जो कि रेस्प्रेशन से डील करता है मेन्स होता है फाउंडेशन ऑफ स्पीच रेस्प्रेशन क्या होता है स्पीच का फाउंडेशन होता है फोनेट्री सिस्टम जो होता है फोनेशन से डील करता है फोनेशन मीन्स होता है साउंड uh, सोर्स को जनरेट करना आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो होता है आर्टिकुलेशन से डील करता है ठीक और आर्टिकुलेशन से डील करता है आर्टिकुलेशन मीन्स होता है स्पीच साउंड को एक सेप देना शेपिंग द स्पीच साउंड अब आर्टिकुलेटरी सिस्टम के दो टाइप होते हैं एक होता है एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम दूसरा पैसिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम रिस्परेटरी सिस्टम तीन चीज़ से बना होता है अपेयर ऑफ लंग्स मसल्स ऑफ द चेस्ट ट्रैकिया यानी कि विंडो पाइप से फोनेट्री सिस्टम दो चीज़ से बना होता है लैरिंग्स यानी कि एडम्स एप्पल से और जो है वोकल गार्ड यानी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर से आर्टिकुलेटरी सिस्टम चार चीज़ों से बना होता है टंग लिप्स माउथ और फैरिंग्स से ठीक हम स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और वो भी पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम की हेल्प से पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम जो होता है लंग्स से बाहर की तरफ आता है और इस दौरान इन एयर स्ट्रीम को हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा स्पीच साउंड में बदल दिया जाता है अब ये जो टंग हैं इस स्पीच को एक सेप देने में साउंड को एक सेप देने का काम करते हैं टंग जो है बोलते समय टंग माउथ के बाहरी पार्ट को टच करती है और जैसे टिप द टंग की सहायता से टी डी एन एल बोला जाता है और बैक ऑफ द टंग की सहायता से के जी और एन जी के जी और एन जी को बोला जाता है लिप्स जो है लेबियल साउंड्स को प्रोड्यूस कराते हैं लेबियल साउंड्स में कौन आते हैं पी बी एम एफ और भी तीथ दो टीथ जो होते हैं टी एच के साउंड में इन्वॉल्व होते हैं जैसे थिंक और दिस हैं स्पीच मकैनिज्म एक कॉम्प्लेक्स और एंट्रिकेट प्रोसेस होता है जो कि स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हमारी हम लोग की हेल्प करता है ये पांच सब सिस्टम होते हैं स्पीच मकैनिज्म में रिस्परेटरी सिस्टम जो कि रेस्प्रेशन से डील करता है मीन्स होता है स्पीच का फाउंडेशन रिस्प्रेशन होता है फोनेट्री सिस्टम जो कि फोनेशन से डील करता है फोनेशन मीन्स होता है साउंड सोर्स को जनरेट करना ठीक है रिजोनेटरी सिस्टम जो होता है रिजोनेंस से डील करता है रिजोनेंस मीन्स होता है साउंड को एम्पलीफाई करना आर्टिकुलेटरी सिस्टम मीन्स होता है आर्टिकुलेशन जो कि साउंड को एक सेप देने का काम करता है रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हेल्प से साउंड को रेगुलेट किया जाता है इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है रेस्पिरेशन से डील करता है रेस्पिरेशन मीन्स होता है फाउंडेशन ऑफ स्पीच स्पीच जो है रेस्पिरेशन से शुरू होता है जहाँ पर लंग्स नेसेसरी एयरफ्लो पलमोनिक एग्रेसिव एयर फ्लो प्रोवाइड कराता है पलमोनिक सॉरी फोनेट्री सिस्टम फोनेशन से डील करता है फोनेशन uh, मीन्स होता है साउंड सोर्स को जनरेट करना फोनेशन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ साउंड से रिफर करता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड लैरिंग्स में वोकल कार्ड के द्वारा साउंड का प्रोडक्शन होता है ठीक है जब एयर लंग्स से वोकल कार्ड के थ्रू बाहर आता है पास होता है तब ये वाइब्रेट होते हैं और यहाँ पर ये जो है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं साउंड वेव्स अब इन साउंड वेव्स का रिजोनेट यानी कि एम्पलीफाई होता है वोकल ट्रैक्ट में और इसके बाद में डिफरेंट इन इनको एक सेप प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकुलेटर्स की हेल्प से और बाद में रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड में बदल दिया जाता है ठीक रिजोनेटरी सिस्टम जो होता है ये रिजोनेंस डील करता है रिजोनेंस मीन्स होता है साउंड को एम्पलीफाई करना एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस जो होता है स्पीच साउंड को ये रिचनेस और डेप्थ प्रोवाइड कराता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम आर्टिकुलेशन से डील करता है और आर्टिकुलेशन मीन्स होता है स्पीच साउंड को एक सेप देना ठीक है और डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स जैसे लिप टंग टीथ एल्बियोलर रिज इन सब की हेल्प से जैसे टी साउंड को बोलने के लिए टंग को एल्बियोलर रिज के साथ कॉन्टेक्ट बनाना पड़ता है एल्ब्योलर रिज जो होता है अपर फ्रंट टीथ के ठीक पीछे वाला स्मॉल रिज ठीक पीछे वाला पोर्शन होता है ठीक है रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है रेगुलेशन साउंड के रेगुलेशन से डील करता है साउंड का रेगुलेशन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है अब देखिए साउंड लैरिंग्स में प्रोड्यूस होता है फैरिंग्स में ट्रेवल करता है और जो है साउंड का रिजोनेंस ओरल कैबिटी और नाइजल कैबिटी में होता है लेकिन आर्टिकुलेटर्स के द्वारा साउंड को एक सेप दिया जाता है स्पीच साउंड में ट्वेंटी सिक्स लेटर होते हैं और अब यहाँ पर फाइव वोवेल से ट्वेंटी वोवेल साउंड और ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट से ट्वेंटी फोर साउंड होता है ट्वेंटी वोवेल साउंड में ट्वें ट्वेल्व मोनोथोंग्स हैं एट डिपथोंग्स हैं ट्वेल्व मोनोथोंग्स में देखिए, छोटा का सिंबल उल्टा सिक्स जैसे ब्रदर छोटा का सिंबल उल्टा भी जैसे बट बड़ा का सिंबल उल्टा सॉरी ए और बिसर्ग जैसे फादर अ का सिंबल उल्टा सी और बिसर्ग जैसे बॉल अ का सिंबल है ओ फिर उसके ऊपर बिंदी या लाइन है जैसे अलोन छोटी का सिंबल आई जैसे सिप बड़े का सिंबल आई विसर्ग सीप छोटा ऊ का सिंबल ये ओमेगा होता है जैसे गुड हो गया बड़ा का सिंबल ये यू बिसर्ग जैसे फूड ए का सिंबल ई जैसे पेन ए का सिंबल उल्टा सिक्स और ई जैसे मैन आर का सिंबल थ्री बिसर्ग जैसे फर्स्ट एट डिपथोंग्स में औ उल्टा सिक्स और ओमेगा जैसे सो अन आई का सिंबल ए आई जैसे माई उ का सिंबल ओमेगा और उल्टा सिक्स जैसे टूरिस्ट आउ का सिंबल ए और ओमेगा जैसे हाउ आई का सिंबल सी और आई जैसे बॉय ए का सिंबल उल्टा सिक्स और आई जैसे बेट ए का सिंबल ई e, और उल्टा सिक्स हेयर और ई e का सिंबल है आई और उल्टा सिक्स जैसे हीयर ठीक अब ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेंट साउंड हैं आप देखिए का के का, का जी से गा अंग का होता है एन के तरीके का टी कुंदा जा का डी जेड और का जेड जा का जेड और टा का टी डाका डा डा का डी था का थीटा का ये त्रिशूल की तरह ना का एन पा का पी बा का बी होता है माँ का एम या का ये जे के तरीके होता है रा का आर है ला का एल है वा का वी वा का डब्ल्यू और बड़ा सा का कुंदा है छोटा सा का एस है हा का एच है फा का एफ है देखिए यहाँ पर जब वाइब्रेशन में जब वोकल कार्ड में वाइब्रेशन के साथ साउंड जनरेट होता है तो उसे कहते हैं वॉइस साउंड कहते हैं थर्टी फाइव वॉइसड साउंड है लेकिन जब बिना किसी वाइब्रेशन के वोकल कार्ड में बिना किसी वाइब्रेशन के साउंड बाहर निकलता है तो उसे वॉइसलेस साउंड कहते हैं वॉइसलेस साउंड केवल नाइन है ठीक ऐसे साउंड जिनको बोलने के लिए यूज किया जाता है उनको कहते हैं स्पीच साउंड कहते हैं क्लियर हैं फोर्टी फोर स्पीच साउंड को ओवरऑल नाइन वॉइसलेस साउंड में डिवाइड किया गया और थर्टी फाइव वॉइसड साउंड में जिसमें फिफ्टीन कॉन्सोनेंट आते हैं ट्वेल्व वॉबल साउंड आते हैं अच्छा नाइन वॉइसलेस साउंड में कौन आते हैं पा चा सा, सा का ह थ थीसिस वर्सेस डिजर्टेशन थीसिस जो होता है एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर होता है जिसको फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है और यूनिवर्सिटी डिग्री के को ऑप्टेंड करने के लिए सबमिट किया जाता है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है एकेडमिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है डिजर्टेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एकेडमिक डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेचर के सपोर्ट में सबमिट किया जाता है डिजर्टेशन में ऑथर्स के रिसर्च और फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है है ना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के दौरान केवल एम को छोड़कर हमें डिजर्टेशन प्रोजेक्ट देने की ज़रूरत होती है सबमिट करने की ज़रूरत होती है डिजर्टेशन लैटिन वर्ड डिजर्टेयर से बना है डिजर्टेयर मीन्स होता है टू डाइलेट यानी कि फैलाना ई टी इंग्लिश फॉर टूरिज़्म पर्पज इंग्लिश जो है इंटरनेशनल टूरिज़्म में प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है ठीक है और जो अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन हॉस्पिटैलिटी और टूर सेटिंग में नंबर ऑफ कम्युनिकेशन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड जैसे चेकिंग इन टू अ होटल रिक्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन आस्किंग आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग अबाउट द होटल फैसिलिटीज इट इज सी ओके अब यहाँ पर देखिए ये जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंग्लिश होती हैं डिफरेंट फैक्टर पर बेस्ड होते हैं इंग्लिश फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज़ इंग्लिश फ़ॉर एयर फ्लाइट सर्विसेज़ इंग्लिश फ़ॉर होटल सर्विसेज इंग्लिश फ़ॉर टूर मैनेजर्स एंड गाइड्स आगे देखिए इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस ये जो है इम्प्लॉबिलिटी और वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है और ये जो है क्लाइंट्स के साथ बेटर कम्युनिकेशन को इनेबल कराता है क्लाइंट और कलीग के साथ और इसके साथ में डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोगों के बीच में इफेक्टिव रूप से काम करने में भी हेल्प करती है इंग्लिश इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज़ यानी कि एकेडमिक है ये जो एकेडमिक इंग्लिश होती है ये स्किल्स के इंस्ट्रक्शंस पर, पर फोकस करती है स्किल्स पर फोकस करती है खासकर ऐसे जहाँ की जो कि इंग्लिश स्पीकिंग जहाँ पर होती है जैसे कॉलेज या सेटिंग्स में कोर सब्जेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेटिंग्स में कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड ठीक है ई ए पी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये वो कैबलरी सिखाते हैं ग्रामर सिखाते हैं और फोर स्किल्स पर फोकस करते हैं फोर स्किल्स में आती हैं रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग आती है ई ए पी जो है ये टाफे ऑस्ट्रेलिया के टाफे में पाया जाता है टाफे कोर्स है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन वर्ड स्ट्रेस जो होता है वर्ड के जिन सिलेबल को ज़्यादा इम्फेस ज़्यादा जोर देकर बोला जाता है उसे वर्ड स्ट्रेस कहते हैं जैसे ऑप्टेन है ठीक है स्ट्रेस जो होता है वर्ड स्ट्रेस सेंटेंस स्ट्रेस वर्ड स्ट्रेस टू टाइप का प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस वहाँ पर अप्लाई होता है लॉन्गेस्ट और लाउडेस्ट सिलेबल पर अप्लाई होता है ठीक और इसको हाई वर्टिकल बार में लिखा जाता है जैसे ओवर में देख सकते हैं प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस का यूज हुआ सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस को लो वर्टिकल बार में लिखा जाता है जैसे ओबर में ठीक है कोर्ट में तो सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस है लेकिन ओवर में प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस है तो जो प्रीफिक्स होता है प्रीफिक्स पर प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस होता है और मेन नाउन पर सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस होता है जैसे से लुक, लुक पर जो है सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस है अच्छा स्ट्रेस को प्रपोजिशन कंजंक्शंस और आर्टिकल के साथ यूज नहीं किया जाता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स ऑफ द वर्ड जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होते हैं वो जनरली लॉन्गर होते हैं लाउडर होते हैं लेकिन जो बिग फॉर्म्स होते हैं वो फ्लैटर होते हैं और क्विकर होते हैं जैसे आई लाइक डैट में डैट इस्ट्रॉन्ग फॉर्म्स की फॉर्म में है और आई होप डैट सी विल कम इसमें डैट जो है बिग फॉर्म्स में है ठीक है कुछ सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स या तो बिग फॉर्म सिलेबल सिलेबल जो होता है वर्ड का वो पार्ट होता है जिसमें एटलीस्ट एक ओबल साउंड हो और जो है कॉन्सोनेंट साउंड या तो एक हो या हो ही ना या जो है मतलब एक से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड हो ये अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओके नंबर ऑफ वोबल साउंड यानी जितना वोबल साउंड होगा उतना ही ज़्यादा सिलेबल होगा जैसे मैट एक सिलेबल है उमेन में दो सिलेबल एवरीडे में थ्री सिलेबल एग्जामिनी में फोर सिलेबल और जो है एग्जामिनेशन में फाइव सिलेबल कैरेक्टराइजेशन में सिक्स सिलेबल हैं ठीक है आगे देखें ये जो सिलेबल्स uh, का स्ट्रक्चर होता है सी जीरो टू थ्री इसका मतलब कॉन्सोनेंट uh, जीरो से लेकर तीन तक होना चाहिए वोवेल एक होना चाहिए और कॉन्सोनेंट जो है जीरो से लेकर चार तक होना चाहिए लास्ट में वी का मतलब होगा वॉबल सी का मतलब होगा कॉन्सोनेंट टाइप्स अब देख लीजिए इसके बाद में इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को सेकंड या फॉरन लैंग्वेज तो देखो इंग्लिश कई सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर इंग्लिश को एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है कौन से कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया बरमुडा कनाडा आयरलैंड न्यूजीलैंड सिंगापुर यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स और भी कई हैं इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में कौन से कंट्री में बोला जाता है तो फिजी में इंडिया में केन्या में फिलीपींस श्रीलंका सूडान पाकिस्तान युगान्डो और जिम्बाब्वे में इसको जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है 350 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं और जो हैं 430 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं 1835 में इंग्लिश को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनाया गया और विलियम बैंटिंग के टेन्यूर में अठारह सौ से अठारह तक और ये जो है विलियम बैंटिंग इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस समय ये बेस्ड है थॉमस वेविंगटन मैकॉले के सजेशंस पर बेस्ड है उन्होंने किताब लिखी मिनट आन इंडियन एजुकेशन 1835 में 104 कंट्री हैं जहां पर इसको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है लेकिन इसको जो है केवल नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है साउथ इंडिया में इसको नहीं बोला जाता इसलिए भी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज बन गई है फ्रीडम के बाद अब हमार हम लोग के सामने एक क्वेश्चन था दो क्वेश्चन था कि स्टेटस ऑफ इंग्लिश क्या रहे है और जो है रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश क्या रहे फोनिटिक्स फोनेटिक्स जो होता है लिंग्विस्टिक का ब्रांच होता है जो कि स्पीच साउंड के क्लासिफिकेशन और उसके प्रोडक्शन पर फोकस करता है डेनियल जोन्स को फोनेटिक्स का फादर माना जाता है डैनियल जोन्स ये जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में फोनेटिक्स के प्रोफेसर थे फोनेटिक्स की तीन ब्रांच होती हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो कि साउंड के प्रोडक्शन से डील करता है एकॉस्टिक फोनेटिक्स जिसमें आ, साउंड वेव्स और एयर स्ट्रीम के द्वारा साउंड के ट्रांसमिशन को समझा जाता है पर ऑडिटरी फोनेटिक्स में साउंड के परसेप्शन को समझते हैं जहाँ पर साउंड को ऑडिटरी नर्व के द्वारा रिसीव करना ठीक है साइंटिफिक इंग्लिश जो होता है ये साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिकेशन और पब्लिकेशंस में यूज की जाने वाली एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश होती है और इसके जो हैं कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे प्रिसिजन क्लैरिटी ऑब्जेक्टिविटी फॉर्मेलिटी और आर्गेनाइजेशन है टेक्निकल इंग्लिश जो है, ये टेक्निकल जॉर्गॉन के द्वारा होते हैं साइंटिफिक कंटेंट पर बेस्ड होते हैं और इसका प्रिंसिपल्स क्लैरिटी एक्यूरेसी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी कंसाइजनेस और कंसिस्टेंसी टेक्निकल इंग्लिश के कई टाइप हैं इंजीनियरिंग इंग्लिश कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्निकल बेस्ड इंग्लिश मेडिकल इंग्लिश साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंग्लिश टेक्निकल इंग्लिश के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो इसका टोन ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल होना चाहिए स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाना चाहिए सिंपल वर्ब टेंसेस फ्यूचर का यूज होना चाहिए पैराग्राफ में छ से ज्यादा सेंटेंस नहीं होना चाहिए प्रोसीजरल टाइप का सेंटेंस है तो बीस शब्द होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है तो पच्चीस से ज़्यादा शब्द नहीं होना चाहिए स्लैंग या जॉर्गॉन का अवॉइड करना चाहिए एक्टिव वॉइस प्रीफरेबल है पैसे वॉइस नहीं है सिंपल वर्ब टेंसेज का यूज़ किया जाना चाहिए इंटरनेसन क्या होता है इंटरनेसन जो है स्पोकन इंग्लिश में यूज की जाने वाली यूज किया जाता है इंटरनेसन जो है एक क्वेश्चन कमांड इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं और एक तरह से जो पिच ऑफ दे जो पिच ऑफ द वॉइस में जो राइजिंग और फॉल होता है उसी को इंटोनेशन कहते हैं ठीक है और ये जो है डिफरेंट मीनिंग यानी कि क्वेश्चन का सेंस क्वेश्चन का मीनिंग चेंज करने के लिए इंटोनेशन का यूज किया जाता है ये चार तरह के होते हैं फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग राइजिंग और राइजिंग फॉलिंग फॉलिंग इंटोनेशन में क्या होता है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस को दिखाते हैं और ये फॉल होता इस है इसमें पिच ठीक है और राइजिंग इंटरनेसन में ये सनो टाइप या कन्फर्मेशन सेंटेंस कन्फर्मेशन सेंटेंस में होता है इसमें राइज वॉइस राइज होती है जैसे आई विल डू इट इसमें क्या है इसमें फॉलिंग इंटरनेशन है यू डू इट इसमें राइजिंग इंटरनेसन है आई मीन वर्ड हेक राइट तो आई मीन वॉइस इसमें वॉइस फॉल होती है वर्ड हेक में वॉइस राइज होती है और राइट में राइज होती है ठीक है फॉलिंग राइजिंग इंटरनेसन शुरुआत में फॉल होगा इनिशियली बाद में ये टुअर्स द एंड ऑफ द सेंटेंस ये राइज होगा जैसे व्हाट आर यू गोइंग सॉरी वेर आर यू गोइंग राइजिंग फॉलिंग इंटरनेशन में क्या होगा पहले राइज होगा उसके बाद में फॉल होगा जैसे ओह यू आर यू आर सच अ ग्रेट सिंगर बिजनेस इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश जो है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जैसे इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स फाइनेंस इंश्योरेंस बुकिंग और कई सारे ऑफिस सेटिंग में बिजनेस इंग्लिश का जो लेवल है सी वन है अब यहाँ सिक्स लेवल हैं सी ई एफ आर के द्वारा कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज ठीक है सिक्स लैंग्वेज प्रोफिशंसी लेवल्स फॉर मेजरिंग बिजनेस इंग्लिश स्किल्स ए वन बिगनर लेवल ए टू एलिमेंट्री एन बिगनर ए टू एलिमेंट्री बी वन इंटरमीडिएट बी टू अपर इंटरमीडिएट सी वन एडवांसड सी टू प्रोफिशेंट तो सी वन लेस की लेवल सी वन है यानी कि एडवांस लेवल है लीगल इंग्लिश जो है लीगल राइटिंग में यूज होती है लीगल एक गुड लीगल राइटिंग स्टाइल का जो करेक्टरिस्टिक्स है यू एस ए के अकॉर्डिंग वो फोर सी है क्लियर करेक्ट कंसाइज और कंप्लीट यानी कि लॉयर्स को क्लियर करेक्ट कंसाइज और कंप्लीट लिखना चाहिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ लीगल लीगल इंग्लिश यूज होती है जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंसेज में कोर्ट प्लीडिंग समन्स ब्रीफ्स जजमेंट्स में और लॉज केस रिपोर्ट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और कई सारे चीज़ों में सब ऑर्डिनेट है ना लीगल करस्पोंडेंट जैसे सीज सीजे डेजिस्ट लेटर में लीगल लैंग्वेज को एक फॉर्मल लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है क्योंकि लीगल लैंग्वेज लॉजिक रूल्स पर बेस्ड होते हैं और ये जो हैं इनको ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज से अलग बनाते हैं क्लियर है